जिला कांगड़ा के बीड़ में पर्यटन विभाग द्वारा साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश भर से 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रतियोगिता में 26 प्रतिभागी जूनियर कैटेगरी और 20 प्रतिभागियों ने सीनियर कैटेगरी में भाग लिया है। प्रतियोगिता के जूनियर कैटेगरी में सार्थक बिष्ट पहले स्थान और वंश कालिया ने दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं सीनियर कैटेगरी में पहले स्थान पर खुशीमन और दूसरे स्थान पर शिविन रहे। सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी में जो है वो पार्टिसिपेंट्स रहे। सीनियर कैटेगरी में 20 पार्टिसिपेंट्स और जूनियर कैटेगरी में 26 पार्टिसिपेंट्स थे। और इसमें जो है वो 6 लूप्स जो है वो सीनियर कैटेगरी के लिए थे, 5 लूप्स जो हैं वो जूनियर कैटेगरी के लिए थे, और जो एक लूप है वो 2.35 किलोमीटर जो है वो रहता है इसमें। और पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता आयोजित की गई और इतना बढ़िया ट्रैक जो है वो हमने यहाँ पे देखा। एक पोटेंशियल जो है इतना बढ़िया एक साइकिलिंग के लिए, माउंटेन बाइकिंग के लिए हमने देखा कि आने वाले टाइम में टूरिज्म के लिए एक बूस्ट रहेगा। वहीं प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने बताया कि ट्रैक की तारीफ उन्होंने की और आयोजनकर्ताओं द्वारा उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया करवाने का आभार व्यक्त किया। मैं नेपाल से हूँ तो मैं इंडियन आर्मी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ माउंटेन बाइकर। एंड आज का रेस फिनिश हुआ, आई सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। आज का रूट टेक्निकल जंप, टेक्निकल क्लाइंब, आल्सो टेक्निकल डाउनहिल सभी था, मिक्स था। थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर हु बिल्ड दिस काइंड ऑफ ट्रेल इन इंडिया, इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। इंडिया को रिप्रेजेंट करा है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम बाहर जाके देखते हैं ऐसे कोर्सेज पे हमें रेस करने का मौका मिलता है, और हमें इंडिया में हिमाचल के अंदर ऐसे अच्छे कोर्सेज का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले टाइम में इस रेस को डेफिनेटली अगर बड़े लेवल पे करवाया जाए तो बहुत अच्छे राइडर्स को ये नेशनल और इंटरनेशनल अट्रैक्ट करेगा।